हेलो पबजेंस, क्या हाल चाल है? वैसे तो स्वागत है आप लोग का एक और टीडीएम के रैंक्स में अप में। तो जैसा कि आप लोगों ने आज थंबनेल में देख ही लिया हो कि मैं आप लोग को आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देख के जाना भाई। तो यहाँ पे मेरे टीममेट्स ने खेल चोरी कर लिया, आप लोगों ने देखा है, तो मैं आगे बंदूक की तलाश में निकलता हूँ। मतलब कि बंदूक तलाश में क्या आ रहे थे क्लासिक है ना, तो मुझे बंदे नहीं मिले तो, और ये बंदा एक दिखा और इसके साथ देखता मैं अभी क्या मजे लेता हूँ। मतलब कि ये स्पॉन होता है और मैं इसे मार देता, फिर होता फिर मार देता हूँ, लेकिन लास्ट में क्या भाई इसका टीम मेट आ जाता और दो बंदे की मेरा पूरा हेल्थ खत्म था। देखना पूरा ऐसे ये एक मेरा टीम मेट भी आया लेकिन बेचारा मारा गया और इसको मैंने मार दिया फिर से। और ये आपको आप भी कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको किसी से मजे लेना या फिर आप लोग को किल चाहिए तो ये आप अकेले बंदे थे या फिर दो बंदे पर ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोग का टीम मेट आपके साथ आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ये एडवांटेज मिल जाता है। ये आप ये प्रॉन या प्रॉन हो क्या उसको मार सकते हो, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं तो उसको दिखेगी नहीं। तो मैं फिर से यहाँ पे कूदा और यहाँ पे मैं आके फिर से चिर गया भाई। और ये बंदा मतलब परेशान ही हो गया सर, मतलब क्या बोलूँ, चार चार किल मैंने यहाँ पे किया, इसको चार बार मारा और ये भी पूरा एकदम गुस्सा में होगा। ये गुस्सा में आने के बाद ही तो सब चीज़ होता है, ये ऊपर से ही कूद जाता है एक ही बार में, उसको भी मैं मार देता लेकिन पीछे से भी इसका टीम मेट आ गया और मेरा हेल्थ बहुत कम था तो ये बच गया। और फिर यहाँ से मैं आता हूँ, फिर इसको सोचते हैं मारेंगे आराम से, लेकिन फिर ये मेरा टीममेट फिर से किल चोरी कर, मतलब कि यार इसमें किल चोरी बहुत होता है और गुस्सा ही आता है आप लोगों को तो पता ही है। और मैं फिर इधर से निकला और यहाँ पे मेरे टीममेट्स कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रोपंथी दिखा रहे थे और आगे जा रहे थे और मैं भी उसी के लालच में आ गया, लेकिन चारों बंदे यहीं पे होते भाई, बहुत नाइंसाफ है। चारों बंदे एक को कैसे मार सकते हो यार, मतलब कि एक को मारो दो को मारो यार, दो आ जाओ साथ में कोई नहीं, ठीक है चार चार बंदे आ रहे हैं यार, ये तो बहुत नया बहुत। और ये मैंने नेड किया 200 आई, क्योंकि मुझे लगा ये कटेगा और ये मरेगा, लेकिन जल्दी से मैं ही वहाँ पे चला जाता हूँ और मैं ही मर जाता हूँ। मतलब मैच में मज़ा आ ही रहा था यार, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुद की नज़र लग जाती है। तो देखो यहाँ पे ये बंदा आया और इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन एक मेरा टीममेट ऑफलाइन चला जाता है। लेकिन मैं सस्पेंस नहीं खुलने वाला हूँ, सस्पेंस नहीं खुलूँगा मैं, आप लोग को लास्ट तक देखना और आपको पता चलेगा कि बस 2 मिनट ऑफलाइन जाने के बाद कैसे मैच पूरा पलट जाता है। और इसको मार के मैं पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में आगे निकल रहा था रिलोड करके, और मुझे कुछ बंदा ही नहीं दिख रहा था और मेरे टीममेट भी नहीं थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे TTP लेके आराम से मारते हैं। और ये बहुत हिडन प्लेस है भाई, यहाँ पे आप आराम से TTP ले सकते हो अगर उस साइड में बंदा, और इससे देखना मैं भी कैसे मज़े लेता हूँ। मतलब कि यार मेरा एमओ भी रिलोड हो रहा था और मज़े भी ले रहा था मैं, तो यहाँ पे अगर उस साइड जैसे मेरा अभी उस साइड में मैं रिस्पॉन हो रहा हूँ, मतलब कि उस साइड में से मैं आ रहा हूँ, ठीक है, जैसे अपोनेंट उस साइड में और तुम लोग का इस साइड में घर है, मतलब कि तो यहाँ पे आप TTP यूज़ करके आराम से उसको मार सकते हो। और 2-3 हिडन प्लेस मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इसको देखो यार, ये तो मतलब क्या ही बोलें इसके बाद पूरा पगलवा दिया मैंने इसको। और यहाँ से फिर मैं निकलता हूँ, मेरे टीममेट भी आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ ये बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसको मारने निकलता हूँ। और ये बहुत गलत कर दिया यार, मैं जैसे मेरे टीममेट ही किल ले जाते हैं, मतलब कि वो बंदा एकदम शांत करता, फिर भी मैं पूरा मूवमेंट फायर एकदम प्रो पंक्ति को दिखाने ही है, उसी में यार चोरी चोरी हो जाता है। लेकिन अब मैंने सोच लिया हूँ कि जो बंदा एकदम शांत खड़ा रहेगा मैं उसमें मूवमेंट फायर नहीं करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा ही मूवमेंट फायर हो गया। और यहाँ पर एक ग्रेनेड किसी ने डाला और ये बंदा मुझे मार जाता है, मुझे लगा है ग्रेनेड से फटेगा तो कोई नहीं, ठीक है, लेकिन वो मेरी गलती थी। और इधर से आप इधर से भी आ सकते हो, मतलब कि आपको तो पता ही होगा लेकिन फिर बताने में क्या जाता है, इधर से आप आओ। और किसी को भी जब कार 98 किसी के पास भी तो उसे डरना नहीं, बहुत लोग डर जाते हैं कि एक शॉट में मैं ख़त्म हो जाऊँगा, लेकिन नहीं, आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है मूव एंड फायर का। जी हाँ, मूव एंड फायर करके आप जैसे देखा आपने इसको मार सकते हो आराम से, क्योंकि मूव एंड फायर एक ऐसा चीज़ है भाई जिसको आप लोग के सामने का चार बंदा भी हो ना, जैसे मेरे सामने 2 बंदा है तो मैंने दोनों को मार दूंगा, क्योंकि मूव एंड फायर सीखा करो, मूव एंड फायर नहीं सीखा तो क्या खेलते हो, मत खेलो भैया, मूव एंड फायर सीख लो और ये फिर बहुत अच्छा। और मैं इसको ही मारता क्योंकि 90% ये हेल्थ इसका डैमेज था, लेकिन फिर सामने में एक बंदा आ गया और मुझे इस पर लालच कर दिया, फिर तीनों मिलके मुझे मार दिया था, क्योंकि मेरा हेल्थ भी आप लोगों ने देखा है बहुत कम था। तो मैं क्या कर रहा था भाई, मूव एंड फायर आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैंने ये सोचा कि 2 बार उधर से गया, 1 बार इधर से चला गया, इधर फिर से चार फिर मुझे ऐसा नहीं होता, मुझे एक से ही काम चलाना पड़ता है या फिर एक भी नहीं,
ये देखो मैंने इसको पूरा डैम, हाँ एक किल तो मिलता है, दो किल, दो किल मुझे मिल जाता है, मुझे तो याद ही नहीं था भाई कितने गेम प्ले खेलता हूँ, पता भी नहीं चलता। और ये बंदा फिर लास्ट में कब पीछे चला गया मुझे पता ही नहीं चला, उसने मुझे मार दिया। अब फिर मैंने फिर सोचा भाई कुछ भी होगा, जाना तो उधर से गया, फिर से मारेंगे उसको। लेकिन वो कहते हैं ना भाई, पता नहीं क्या कहते हैं। और यहाँ पे बम था, मुझे दिखा नहीं, शायद बम मेरे ऊपर फटता, नहीं नहीं फटा। और ये बंदा सामने से पिक ले रहा है, मैं जरा सा आगे गया और इसने मुझे पेल दिया। क्या होता, और भी मैच में बहुत कुछ आ गया, आप लोग देखो मजे लो, और मैं फिर आपको मिलता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरा टीममेट पता ही ऑफलाइन चला गया यार, तो उसी का मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि आप लोग लास्ट में देखना एकदम इन टाइम पे क्या होता है कि आप दो मिनट भी अगर ऑफलाइन। और इसमें भी वही हुआ यार, मैं कहता है मूव एंड फायर के चक्कर में किल बार बार छोटी हो जाता है, तो मैं आप सोच लिया यार जो बंदा नहीं हिल रहा है मैं उसके मूव एंड फायर नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, नहीं लूँगा। और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सामने में बंदा आ रहा है और यहाँ पे जाके लूट रहे हैं, तो उस वैसा नहीं करने का भाई, सामने वाले बंदे आके कतई तुमको मार देंगे। और इसको मैंने मारा और ये देखो मेरा ट्रिक अपना के मुझे मार दिया, देखो यार ये तो कतई चोरी वाली बात हो गई भाई। चलो कोई नहीं, ठीक है। और इधर से मैंने और अभी देखो यार इधर से एक बंदा आएगा और इसको मैं बिना मूव एंड फायर के मारने का सोचूंगा, लेकिन नहीं होता यार, मूव एंड फायर इस टाइम में बहुत आपके हेल्प करेगी। तो ये देखो मैं ऐसे 4 से 5 हेडशॉट मारा और ये ख़त्म भाई। AKM का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि AKM क्लासिक में भी अच्छा और इस मैप में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका क्लोज रेंज में पावर बहुत ज़्यादा है यार, और रिकॉइल तो तुम लोग को पता ही है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन AKM इज़ द बेस्ट गन भाई, बेस्ट बोला ये। और ये देखो फिर से 3-3 बंदे मुझे मार दिए। तो AKM भाई बहुत अच्छा गन है। M4 अगर किसी के पास, और किसी के पास M4 है, तो अगर तुम्हारे पास लेवल 3 का हेल्थ वेस्ट है तो तुम AKM से तो बच, M4 से बच जाओगे, लेकिन AKM से नहीं बच पाओगे। तो फिर मैं इधर से निकलता हूँ और ये 37 दोनों के किल हो गए थे, तो मुझे लग रहा था मेरे कोई टीममेट बेवकूफ़ी नहीं कर रहे। और ये बंदा इधर आता है, मिलने आ रहे हैं साले हैं। और फिर यार मुझे तो उस वाले बंदे ने मार के ही चला गया वो। और अब 38 किल हो गए थे, तो मुझे लगा आराम से मैं यार मैच जीतेंगे, क्या दिक्कत है, अपना हिसाब है। लेकिन वो बंदा फिर अकेला हो जाता है और उसको एक बंदे मार देते हैं। तो इधर से एक और बंदा फिसलते आता है और वो सोचता है कथे चोर में आता है और मार दूंगा, या सो गया मेरे सामने आकर। लेकिन फिर भी भाई मैं मार दिया, और मैं जब तक रिलोड करा तब तक नहीं मार दिया। तो गई ये बता रहा था कि मेरा टीम में 2 मिनट के लिए गया, इसलिए मैं मैच हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टाटा।